Hello students, how are you? I hope you are well. Today we will read chapter number 10, Life of Early Man, from your SST book. Let's start the class. It is believed that the Earth is the only planet which can sustain different forms of life because it has water and air. In the beginning, it was very hot, but slowly, it became it became cool, and a few million years ago, the earliest human beings appeared on the earth. It is believed that the earliest man appeared in Africa millions of years ago. तो हुआ क्या था कि ऐसा माना जाता है कि जो हमारा प्लेनेट है उस पर लाइफ पहले से ही, काफ़ी समय पहले से ही लाइफ है. ये तो सभी जानते हैं, यहाँ पे पानी है, हवा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. लेकिन शुरू शुरू में ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या थी, ये धरती जो थी बहुत गर्म थी, और धीरे धीरे ये ठंडी हुई. कई सालों, हजारों साल लग गए, मतलब मिलियन ईयर्स लग गए इनको, मिलियन, हजारों नहीं, मिलियन ईयर्स लग गए इस धरती को क्या होते, ठंडा होते हुए. और फिर इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे ह्यूमन जाति की क्या हुआ, ह्यूमन जाति इसमें पनपने लगी. इट इज़ अ बिलीव डेट द अर्लीस्ट मैन अपीयर्ड इन अफ्रीका मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. ये माना जाता है कि अफ्रीका में सबसे पहले जो आदमी देखा गया वो अफ्रीका में देखा गया, यानी कि जो आपका पुराना मानव था वो अफ्रीका में देखा गया. नेक्स्ट इज हंटर्स एंड फूड गैदरर्स. अब इतने टाइम बाद जब आदमी हुआ, धरती पर आया, तो अब उसको क्या था, कुछ खाने को भी चाहिए था. उसे शिकार करना शुरू करा, ठीक है, और क्या खाने के लिए उसने क्या क्या करा, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, गैदरिंग फ्रूट्स. खाने के लिए उसने फ्रूट्स भी लिए, नट्स लिए, रूट्स ली, सीड्स ली, लीव्स ली, ये सब उसने अपने खाने के यूज़ में किया. दीज हंटर्स एंड फूड गैदरर्स हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर फॉलोइंग रीजन. और ये जो हंटर्स और गैदरर्स थे, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम अपना ये चेंज करते रहते थे जगह. क्यों? क्योंकि अगर वो पहली बात तो ये कि अगर वो एक ही जगह लंबे समय तक रहते थे तो उनको वहाँ इतना खाना पर्याप्त नहीं मिल पाता था, क्योंकि हर मौसम में हर फ्रूट अपना अलग अलग जगह पर होता है, हर जानवर भी अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह जाता है. ये रीज़न था. एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे इन केस ऑफ कार्निवर्स और इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स. दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स. अब जो एनिमल्स थे वो भी मैंने बताया आपको, समय के अनुसार अलग अलग जगह पर जाते हैं. फ्रूट्स भी हमारे जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं, तो किसी मौसम में कोई फ्रूट होता है, किसी मौसम में कोई फ्रूट होता है. इसी कारण क्या हुआ, तो वो लोग क्या हुए, इधर से उधर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे. और फिर प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स, सो पीपल मे बी मूव्ड. हाँ, वही चीज़ कि प्लांट्स और फ्रूट्स भी क्या है, अलग अलग समय पर उगती हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, अलग अलग वेजिटेबल्स होती हैं. उन सबको खाने के लिए उनको भी जगह अलग बदलनी पड़ी. पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. वाटर इज फाउंड लेक्स, स्ट्रीम्स. अब जो मानव था, अब वो कहाँ रहना चाहता था, वो पानी के किनारे रहना चाहता था, ताकि उसको सारा काम जो भी पानी का होता है वो ईजिली अपना काम वहाँ पर कर सके. While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, कुछ rivers और कुछ lakes तो ऐसी हैं जो सालों साल, मतलब पूरे साल ही पानी बहता है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जहाँ भाई पानी ढूंढने जाना पड़ता है, कुछ सीजन में ही वहाँ पानी होता है. Next is the Stone Age. Next is Stone Age. The prehistoric age is also none of the Stone Age. जो prehistoric age होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, Stone Age कहते हैं, क्योंकि उस time क्या हुए थे, पत्थरों का use बहुत ज़्यादा इंसानों ने यूज़ कर, पुराने मानव ने शुरू कर दिया था, जैसे कि जानवरों को मारने के लिए, उनका मीट खाने के लिए, और फ्रूट्स काटने के लिए, पेड़ काटने के लिए, तो जंगल वगैरह काटने के लिए वो क्या करते थे, इन्हीं पत्थरों का यूज़ करते थे. और स्टोन एज चार भागों में डिवाइड हुआ. पहला था पैलालिथिक एज, जो कि ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है. दूसरा है मेसोलिथिक एज, जिसे मिडिल स्टोन एज कहा जाता है. तीसरा है नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन, जिसको न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है. और चौथा है कैल्कोकोलिथिक एज और कॉपर एज, यानी कि कैल्कोकोलिथिक एज भी कहा जाता है उसको, कॉपर एज भी कहा जाता है. तो चलिए पहले पढ़ते हैं पैलालिथिक एज. पैलालिथिक एज में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ कि दो ग्रीक वर्ड से बना, ये पैलेलियो मीनिंग ओल्ड और लिथिक मीनिंग स्टोन, यानी कि पूरा पाषाण काल, हिंदी में बोलेंगे पूरा पाषाण काल. दिस पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो. ये पीरियड 2 मिलियन ईयर्स, यानी कि 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले शुरू हुआ था, लगभग 12,000 साल पहले. दिस पीरियड इज कॉल्ड ओल्ड स्टोन एज. वही मैंने आपको बताया कि इस पीरियड को ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है, पूरा पाषाण काल. फिर हंटिंग एंड फूड गैदरिंग. अब इसमें क्या हुआ, हंटिंग यानी कि शिकार करना किया गया, गैदरिंग इकट्ठा होना सीखा गया, क्योंकि पहले क्या थे, अलग अलग रहते थे, अकेले अकेले बंदे थे, लेकिन बाद में ये सब क्या हुआ, इकट्ठे होने शुरू हो गए. इन्होंने खुद को कपड़े, अब इनके कपड़े कैसे होते थे, इन्होंने खुद को ढकना भी शुरू किया, बार्क्स ऑफ लीव्स यानी कि पत्तियों से ढकना शुरू किया खुद को.
और एनिमल्स की जो स्किन होती थी उसे अपने आप को ढकना शुरू किया, उससे प्रोटेक्ट कर। फिर उन्होंने क्या किया, अभी इन्होंने खुद को ढकना शुरू कर लिया, फिर डिस्कवरी ऑफ फायर, नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ फायर। अब पुराने मानव ने क्या किया, आग जलाना भी सीख लिया। उस आग से क्या करते थे, अपना खाना पकाते थे, और जो वो कच्चा खाना खाते थे उससे ज़्यादा बेटर इनको ये भुना हुआ खाना लगने लगा। उसी फिर उन्होंने स्टोरेज में क्या किया, टूल्स बनाए, हैंड टूल्स। वो कैसे होते थे, पियर शेप टूल्स होते थे, जो कटिंग करने में, स्मैश करने में बहुत अच्छे होते थे और वो बड़े शार्प होते थे चारों तरफ से। फिर कोर टूल्स यानी कि जिनकी नोके नोके पैनी होती थी उनको बोलते हैं कोर टूल्स। फिर फ्लिंट टूल्स बनाए इन्होंने, ये कैसे होते थे, स्मॉल स्टोन्स हुआ करते थे, जो कि क्या होते थे, इनके खाना खाना बनाने में काम आते थे, मतलब कि खाने को चीरने में, इनके शिकार को चीरने में काम आते थे, तो इसलिए उन्होंने ऐसे टूल्स बनाए। उसके बाद आ गए न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज लगभग 10,000 साल पूर्व का कहा जाता है। इसमें इन्होंने बहुत कुछ किया, पहिए का आविष्कार किया, बर्तन बनाए, धनुष बनाए, और क्या कहते हैं, इन्होंने इसी समय क्या किया, जानवर पालने शुरू करे, डॉग, गॉड, कैटल, शिप, और बहुत कुछ किया। साथ में इन्होंने वीट, बारले, इनका भी जो इनको उगाना शुरू किया, तो इस टाइम इन्होंने बहुत कुछ किया। नेक्स्ट आया कैलकुलिथिक एज। कैलकुलिथिक एज में क्या किया इन्होंने, और इसको और क्या कहते हैं, कॉपर एज भी कहा जाता है कैलकुलिथिक एज को। इसमें इन्होंने कॉपर की जो औजार थे वो बनाने शुरू करे, और इसमें इन्होंने एक चीज़ और शुरू करी, मिक्स मिक्स धातु के भी औजार बनाने शुरू करे, छोटा नागपुर, गैग्नेटिक प्लेन्स की जो साइट्स हैं कैलकुलिथिक एज की क्या हैं, ये प्रूफ हैं कि ये बताती हैं कि ये वाकई में ऐसा समय था कैलकुलिथिक एज की, वहाँ पर क्या मिलते हैं, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट सॉरी और टूल्स मिलते हैं। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।